हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में उड़ान इंग्लिश वर्कबुक फॉर क्लास सिक्स करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे आज वर्कशीट 19, लेसन है डेजर्ट एनिमल। तो आपकी जो ये वर्कशीट है इसमें दे रखा है एडवर्ब, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस और कंजंक्शंस, ये आपके जो हैं टॉपिक हैं इस वर्कशीट के। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव और द एडवर्ब टू कम्प्लीट ईच सेंटेंसेस। ब्लैंक्स को फिल करो एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ में टू कम्प्लीट ईच सेंटेंसेस, प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट है माय क्लासमेट इज ए डैश पर्सन, मेरी जो क्लासमेट है यानी सहपाठी है या सह, तो वो जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, नाइस पर्सन है। तो नाइसली पर्सन नहीं होगा, सिर्फ नाइस यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगला है आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, मैं हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, तो वेल आएगा, गुड नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड है माई टीचर लुक्ड एट मी डैश व्हेन आई अराइव्ड लेट, मेरी टीचर ने मुझे गुस्से से देखा जब मैं लेट आया। तो गुस्से से देखा तो एंग्रीली हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंग्रीली, एंग्री नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है टुडे वॉज माई इंग्लिश पेपर आई वॉज डैश व्हेन आई केम आउट आफ्टर द एग्ज़ाम, आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, मैं बहुत खुश था जब मैं एग्ज़ाम से देकर बाहर आया। तो हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पीली नहीं होता। उसके बाद है फिफ्थ माई कजिन ऑलवेज वॉक्स वेरी डैश, मेरा कजिन हमेशा तेज चलता है, तेज़ी से चलता है, तो वेरी क्विकली होगा, क्विक नहीं होगा, वॉक्स क्विक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो कई बार हम कह सकते हैं कि भई माई कजिन ऑलवेज वॉक्स वेरी क्विकली। तो इस तरह से हमें जो है ly लगाकर एडवर्ब बनाने होते हैं। एक्टिविटी टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। फर्स्ट माई बर्थडे फॉल्स डैश June 10, मेरा जन्मदिन 10 जून को आता है, तो फॉल्स ऑन, ऑन आएगा यहाँ पर टाइम के लिए। उसके बाद क्रिसमस ऑलवेज कम्स डैश दिसंबर, क्रिसमस हमेशा दिसंबर में आती है, क्रिसमस का त्यौहार हमेशा दिसंबर में आता है, तो टाइम के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। उसके बाद माई अंकल लिव्स डैश दिल्ली, मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं, तो स्थान के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आएगा, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। उसके बाद है आवर स्कूल स्टार्ट्स डैश 8 AM, हमारा स्कूल जो है 8 बजे शुरू होता है, तो स्टार्ट्स एट, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। फिफ्थ पे है हैंग दिस पिक्चर डैश द फ्रंट वॉल, इस पिक्चर को जो है फ्रंट वॉल पर टांग दो, तो ऑन द फ्रंट वॉल प्लेस के लिए। और जो आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM वो था टाइम के लिए। वी प्ले कैरम इन द इवनिंग, हम कैरम जो है शाम को खेलते हैं, ये भी टाइम के लिए है, तो इन द इवनिंग हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, माई बर्थडे फॉल्स ऑन June 10, क्रिसमस ऑलवेज कम्स इन दिसंबर, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, हैंग दिस पिक्चर ऑन द फ्रंट वॉल और वी प्ले कैरम इन द इवनिंग। इसके बाद हैं पंक्चुएशन मार्क्स, इसमें है कोमा, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, एलिप्सिस, फुल स्टॉप, ऑब्लिक पीरियड, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अब है यूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एंड राइट व्हाट इट इज, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क को यूज करो और लिखो कि ये क्या है। एग्जांपल है माय फादर कार इज़ न्यू एंड एक्सपेंसिव, तो ये फादर्स में जो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, और एक्सपेंसिव के बाद क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको जो है ये करने हैं। तो ये फर्स्ट तो एग्जांपल था ही, माय फादर्स कार इज़ न्यू एंड एक्सपेंसिव, फादर्स में जो है एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है और एक्सपेंसिव के बाद फुल स्टॉप है। आगे हम करते हैं शी हैज गॉट ए कैट ए डॉग एंड ए फिश, तो कैट के बाद कॉमा लगाएंगे हम और फिश के बाद फुल स्टॉप,
तो यहाँ हमने क्या प्रयोग किया, ये कॉमा, तो कॉमा लिख दिया हमने, कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ये कॉमा है और ये फुल स्टॉप है। हैव यू गॉट ए सिस्टर, क्या तुम्हारे बहन है, तो सिस्टर क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पर ये, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया। उसके बाद लुक, देखो कार आ रही है, लुक के बाद हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक कार इज कमिंग के बाद हमने लगाया फुल स्टॉप, तो हमने क्या क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप। अगला है फोर्थ, आई वॉन्ट टू गो टू यूरोप बिटवीन 2022-2024, हाँ मैं जो है यूरोप जाऊंगा 2022 और 2024 के बीच, तो हाइफन लगाएंगे, ये हाइफन हो गया, हाइफन यहाँ लिख दिया है। फिफ्थ है व्हेन कोरोना वायरस एंड्स आई विल गो टू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप, तो यहाँ फुल स्टॉप लिख दिया। सिक्स्थ है शी नेवर रीड्स ए न्यूज़पेपर, वो कभी अखबार नहीं पढ़ती, हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप, तो यहाँ फुल स्टॉप लिख दिया। उसके बाद है अहम्स फादर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया कि अहम्स के पिता इंजीनियर हैं, तो एपोस्ट्रॉफी आ गया। उसके बाद है व्हाट इज योर जॉब, तुम्हारा क्या कार्य है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया। उसके बाद है आलमंड्स आर माई फेवरेट स्नैक, तो जो आलमंड्स हैं वो मेरी फेवरेट स्नैक हैं, तो फुल स्टॉप लगाया हमने, तो यहाँ फुल स्टॉप लिख दिया। उसके बाद है टेंथ, व्हाट एन अमेजिंग डे, कितना शानदार दिन है ये, तो एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट एन अमेजिंग डे, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो टेंथ है व्हाट एन अमेजिंग डे, एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगाया लास्ट में यहाँ पर, तो ये लिख भी दिया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क जो है वो अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी फोर की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। पहला है आई हैव सम फ्री टाइम डैश एक्स्ट्रा टिकट, मेरे पास कुछ फ्री टाइम है और एक एक्स्ट्रा टिकट है, डू यू वॉन्ट टू सी ए मूवी, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो, तो मेरे पास कुछ खाली समय है और एक एक्स्ट्रा टिकट है, तो और के लिए हो जाएगा एंड। सेकंड है एलिफेंट्स आर बिग डैश ब्लू व्हेल्स आर इवन बिगर, एलिफेंट्स बिग होते हैं लेकिन जो ब्लू व्हेल्स होती हैं वो और भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो लेकिन के लिए यहाँ पर हो जाएगा बट। उसके बाद है थर्ड, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ नाइदर मुंबई डैश चेन्नई, इंडिया की कैपिटल सिटी ना तो मुंबई है और ना ही चेन्नई है, आप सभी को पता है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो न तो और नहीं, यानी नाइदर नॉर, नाइदर है तो नॉर आएगा यहाँ पर नॉर। उसके बाद है फोर्थ, कैन यू हेल्प मी कैरी दीज बुक्स डैश आर यू बिजी राइट नाउ, क्या तुम मेरी इन बुक्स को ले जाने में हेल्प कर सकते हो या कहीं इस समय तुम बिजी हो, या के लिए और। उसके बाद है फिफ्थ, आई नीड ए पेन डैश सम पेपर टू राइट सम नोट्स, मुझे एक पेन चाहिए और कुछ कागज़ चाहिए कुछ नोट्स लिखने के लिए, तो और के लिए एंड, मुझे एक पेन और कुछ कागज़ चाहिए कुछ नोट्स लिखने के लिए। उसके बाद सिक्स्थ है सैम लिव्ड इन फ्रांस फॉर 2 ईयर्स डैश ही कैन स्पीक फ्रेंच, सैम फ्रांस में 2 साल रहा और इसलिए वो फ्रेंच बोल सकता है, इसलिए के लिए सो। सेवन्थ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर इंटरेस्टिंग डैश यूजफुल, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रुचिप्रद होते हैं और लाभदायक होते हैं, तो और के लिए एंड। एट्थ है वी कैन गो आउट फॉर डिनर नाउ डैश लेटर, हम डिनर के लिए अब जा सकते हैं या बाद में जा सकते हैं, तो या के लिए और। नाइन्थ है जॉन कांट स्पीक जैपनीज डैश ही कैन स्पीक स्पेनिश, जॉन जो है वो जैपनीज भाषा नहीं बोल सकता लेकिन वो स्पेनिश भाषा बोल सकता है, तो बट जॉन कांट स्पीक जैपनीज बट ही कैन स्पीक स्पेनिश। टेंथ वन आई वॉज लेट डैश आई डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी टू वर्क, मैं लेट था इसलिए मैंने
टैक्सी लेने का निश्चय किया काम पर जाने के लिए। तो इसलिए के लिए सो आई वॉज लेट सो आई डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी टू वर्क। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वर्कशीट 19 यहीं पर समाप्त होती है और इसी के साथ हमारी उड़ान इंग्लिश वर्कबुक वीक फिनिश होती है। हमने 19 वर्कशीट्स जो हैं सॉल्व कर दी हैं। तो यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हैं तो इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।